गया की सोंधी खुशबू तिलकुट खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब बिहार के गया का तिलकुट को डाक विभाग के द्वारा बिहार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए शुरुआत कर दी गई है। इसका शुभारंभ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार के निर्देश पर किया गया। गया के प्रधान डाकघर में इस मौके पर पूरी तैयारी के साथ इस कार्य को पूरा करने के लिए कार्यालय को सजाया गया और वरीय डाक अधीक्षक रंजय कुमार सिंह ने डाकघर में तिलकुट शॉप का फीता काटकर शुभारंभ किया। लोग अब यहां से तिलकुट खरीद सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत दो दिनों के बाद ग्राहकों की मांग पर डाकिया डाक के साथ आपके घर पर तिलकुट भी पहुंचाएगा। तिलकुट डाकघर से जो मिल रहा है उस पहल में तो अच्छे हैं, सभी जो पब्लिक को अवेलेबल हो जाएगा। गया का प्रसिद्ध मशहूर तिलकुट होता है, हर जगह जैसे बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी, उत्तरी बिहार में मतलब तिलकुट का बहुत दिक्कत होता है लोगों का, इसलिए डिमांड है, इसलिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल जाता है तो अच्छी है। वहीं प्रमंडलीय डाक अधीक्षक रंजय कुमार सिंह ने बताया कि डाक विभाग की पहल पर गया के प्रसिद्ध तिलकुट को जन जन तक पहुंचाने के लिए डाकघरों में तिलकुट की दुकान खोली गई है। लोग भीड़ भाड़ में न जाकर लोग यहां आकर तिलकुट खरीद सकते हैं। दूसरे फेज में दो दिनों के बाद हम लोग डाकिया द्वारा होम डिलीवरी भी शुरू कर रहे हैं, जहां एक व्हाट्सएप नंबर लोगों के लिए दिया जाएगा, जिस पर ग्राहक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, जिसके बाद डाकिया के द्वारा उसे उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। का जो प्रसिद्ध तिलकुट है उसको पूरे बिहार में हम लोग डाकघर के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था का प्रारंभ हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल परम आदरणीय श्री अनिल कुमार सर के द्वारा पटना जीपीओ में किया गया है, और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के तत्वाधान में यहाँ गया प्रधान डाकघर में भी एक काउंटर, विशेष काउंटर खोला गया है, जिसके माध्यम से गया का जो प्रसिद्ध तिलकुट है वो लोगों, आम जनता को उपलब्ध हो। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही के साथ तिल से बनी मिठाई खाने की परंपरा है। गया के तिल की मिठाई पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है। डाक विभाग ने गया की प्रसिद्ध मिठाई तिलकुट सभी आमजनों को पहुंचाने के लिए गया के मशहूर तिलकुट विक्रेता प्रमोद लड्डू भंडार के साथ करार किया है। इसके साथ ही बिहार के कोने कोने तक प्रसिद्ध तिलकुट पहुंचाने की पहल की शुरुआत कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट।